हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान रुद्दीन रूप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा दिल्ली सल्तनत कालीन जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में। तो पिछले भाग के बाद हम आज दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसमें जो परीक्षा से संबंधित जो उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर जो वीडियो आते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ में जो प्रश्न हैं उनको हल भी करें, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण रूप से होती रहे। दोस्तों, तब चलते हैं आज की वीडियो पर। जो दिल्ली सत्रकालीन भारत था उसका द्वितीय भाग के जो प्रश्न हैं उनके बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन है, गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने किस क्षेत्र को पुनः जीता? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी मुल्तान। दोस्तों, आपको बताना है वह कौन सा क्षेत्र था जो गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने उसे पुनः जीता था। तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर है बदायूं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी को भागवादी व्यक्ति कहा है? दोस्तों, अलाउद्दीन के शासनकाल में कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उसे भागवादी शासक भी कहा जाता है। तो है कौन था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इसामी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी, अमीर खुसरो और इसामी ने उसे भागवादी कहा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत का विजय अभियान भी किया था। उसकी सफलताओं से वह कौन सी उपाधि धारण करता था? ऑप्शन ए में यामीन उल खिलाफत, बी में सिकंदर एहसानी, सी में ए और बी, और डी में नायबे खुदाई। तो आपको बताना है उसकी उपाधियों का नाम कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, यानी ए और बी दोनों, यामिन उल खिलाफत और सिकंदर सानी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके समझाने पर विश्व विजय तथा एक नवीन धर्म को स्थापित करने का अपना विचार त्याग दिया था? वह कौन था जिसके समझाने पर अलाउद्दीन ने विचार को त्यागा था? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी मंगू खां और ऑप्शन डी अलाउल मुल्क। दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी की जो सफलताएं थी वो लगातार होती रहीं, जिससे उसके मन में विश्व विजय करने तथा एक नए धर्म को चलाने की विचार उत्पन्न हुए, परंतु एक व्यक्ति द्वारा समझाने पर उसने यह विचार त्याग दिया। वह व्यक्ति कौन था? आपने चार में से एक आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है अलाउल मुल्क, जो उसका वजीर मंत्री था। अगला, किस अभियान से मलिक कफूर को पकड़ा गया था? खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को किस अभियान से पकड़ा था? आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और डी दक्षिण भारत। तो वह कौन सा क्षेत्र है यहाँ से मलिक कपूर पकड़ा गया था? आपने सही आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात से मलिक कपूर को पकड़ा गया था। अगला क्वेश्चन 21। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर आक्रमण किया तो वहाँ कौन शासन कर रहा था? आपको बताना है रणथंभौर अभियान पर इस समय वहाँ का शासक कौन था। आपके सामने ऑप्शन है मलहकदेव, नंबर 2 हम्मीरदेव, नंबर 3 परमारजीदेव और नंबर 4 कर्णदेव। इसका सही आंसर आपने अपनी नोटबुक में लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है हम्मीरदेव। रणथंभौर का शासक हम्मीरदेव था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में कुछ हिंदू राजाओं की सेवा प्राप्त की थी? अर्थात दिल्ली सल्तनत में उसे हिंदू राजाओं का सहयोग प्राप्त हुआ, वह कौन सा शासक था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी ऐबक। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा शासक था जिसे हिंदू राजाओं की सहायता प्राप्त हुई। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गुजरात का शासक रायगढ़ कहाँ के शासक की सहायता से दक्षिण गुजरात पर अपना अधिकार बनाए रखा? दोस्तों आपको बताना है तो गुजरात का शासक था रायगढ़, वह किसके सहयोग से दक्षिण गुजरात पर अपना अधिकार जमाए रखा? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी असीरगढ़। तो इसका सही आंसर आपने अपनी नोटबुक में लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है देवगिरी। देवगिरी के शासक की सहायता से गुजरात का शासक रायकर दक्षिण गुजरात पर अपना अधिकार जमा रखा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में हम्मीरदेव और उसके परिवार के लोगों की जौहर द्वारा मृत्यु का वर्णन किया गया है? दोस्तों आपको बताना है वह कौन सी किताब है या पुस्तक है जिसमें हम्मीरदेव और उसके परिवार ने जौहर किया था? ऑप्शन ए तारीख-ए-आलाई, ऑप्शन बी हमीर महाकाव्य, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपने चुन लिया होगा। इसका सही आंसर है ए और बी, अर्थात तारीख-ए-आलाई और हमीर महाकाम में इस जौहर का वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर युद्ध के समय कौन हम्मीरदेव से विश्वासघात करके अलाउद्दीन से आकर मिल गया था? आपको बताना है अलाउद्दीन से मिलने वाला वह कौन विश्वासघाती था? नंबर ए रणमल, नंबर बी केहव, नंबर सी नुसरत खां और नंबर डी मोहम्मद शाह। इनमें से वह कौन सा व्यक्ति था जो हम्मीरदेव से विश्वासघात किया? दोस्तों इसका सही आंसर है रणमल। रणमल ने हम्मीरदेव के साथ विश्वासघात किया था। अगला क्वेश्चन, तैमूर लग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1395 ईस्वी, 1396 ईस्वी, 1398 ईस्वी और 1391 ईस्वी। इसका सही आंसर आपने चुन लिया है, कौन सा होगा? इसका सही आंसर है 1391
ईस्वी में तेमुलक ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सम्राट ने फिरदौसी को संरक्षण दिया था? जो शाहनामा के लिखित फिरदौसी है की रचना थी वह कौन सा शासक था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी एल्तुनिया, ऑप्शन सी महमूद गजनबी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एकमात्र विजय कहाँ प्राप्त की थी? वह विजय अभियान कौन था? ऑप्शन ए मंडावर, ऑप्शन बी रणथंबोर, ऑप्शन सी भिलसा, ऑप्शन डी देवगिरी। इसका जो सही आंसर है वो आपने लगा लिया होगा, सही आंसर है देवगिरी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।